तो मैं और राधु आ गए जी आधे रास्ते से वापस। शुक्र है यहीं नीचे से हमने गाड़ी देख ली थी, गाड़ी है नहीं ऊपर काम में जी सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए व्लॉग में। मम्मी गोदी गोदी। तो आज व्लॉग की शुरुआत साढ़े ग्यारह बजने वाले हैं और आधु गोदी में आने की जिद कर रही है। रुक बेटू, मैंने सामान निकालना है फिर उठाती हूँ। तो जी हम लोग जा रहे हैं अभी दर्जी के पास क्योंकि उन्होंने सूट सिलवाने को दिए थे दो, तो वो इतने ज़्यादा मेरे कपड़े इतने ज़्यादा खुले बनाए हुए उन्होंने कि अब ये तो टाइट करने पड़ेंगे। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये कॉटन है, श्रिंक हो जाता है धोने से, तो थोड़े टाइम के बाद खुद ही हो जाएगा इकट्ठा मतलब धो के, और ये हुआ नहीं। मैंने दो बार धो लिए, ये वैसे का वैसा ही है, अब ये ले जाना पड़ेगा। और उसकी जो सलवार है उसके पहुँचे इतने टाइट है उसमें पाँव ही नहीं जाता। तो अब एक सूट तो मेरे को पूरा ही तो देना पड़ेगा, दूसरे एक में मैंने प्लाजो बनवाई थी वो फिलहाल ठीक है। और ये जी आदू रानी दिखने दिए, ये मम्मी गोदी गोदी इसने आना जी गोदी में। तो पहले मैं अपने सूट वगैरह कर लेती हूँ पैक, फिर आ जा। लो जी मत कर दे, इसको नींद भी लगी है, तो मैं फटाफट से दर्जी के पास से जाके आ जाती हूँ जितने में ये सोएगी, और इसको भी ले आती हूँ घुमा कर। तो जी हम लोग आ गए हैं वापस, फिर हम लोग गए नहीं क्योंकि आदू के पापा भी है नहीं है, वो गए हैं सामान लाने दुकान के लिए। तो मैं और आदू आ गए जी आधे रास्ते से वापस। शुक्र है यहीं नीचे से हमने गाड़ी देख ली थी, गाड़ी है नहीं, अब लोग जाएंगे हम थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आदू को सुला लेती हूँ, उसके बाद लो जी पानी। गिरा कपड़ों पर, गिरा पेटू डाल। पेटू डाल जल्दी धोनी धोनी धोनी। तो ये अब मौसम हमारे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि पूछो मत। मम्मी अंदर नहीं जाना। अंदर नहीं जाना बेटू, सोना है अब। जा तुझे कीड़ू ले जाएगा बाहर, जा तू। आदू को अंदर बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ कीड़े से डरती है, बाकी ये किसी से भी नहीं डरती है, बाकी सिर्फ डराती है माँ। तो जी मैं आदू के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ और इसको सुला लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे फिर हम लोग दर्जी के पास। ज़्यादा दूर तो नहीं है, दर्जी थोड़ी दूर है, पर बाहर इतनी तेज़ धूप है कि पैदल हम जा नहीं सकते। आदू के साथ मैं पैदल ऐसे भी नहीं जा पाऊँगी, तो हमारे को आदू के पापा का वेट ही करना पड़ेगा, तो हम पानी देते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर। मामा हाँ जी दूध पीना। ओके तो जी आदू सो के उठ गई है और मैं उसके लिए ले जाती हूँ पानी। मैंने पानी पिया था इस गिलास में, तो वो भी इसी गिलास में मांग रही है, और उसके पापा भी आ गए हैं। ये कौन दे बार ले बेटू, अपने मुंह से बड़ा गिलास है तू तेरे। इधर बैक साइड पर क्या है दे आप से इतना है इन लोगों के उल्टे उल्टे पापा काम पापा हाय ओके ये कौन है इधर करो इधर करो
इधर आना मेरे पीछे को आ। ना मैंने नहीं आना, इनको अलग ही शौक है पता नहीं। जब मैं 50 साल का जाऊंगा जेठा लाल आ चुके हैं अब किचन में और मस्त शेफ लग गए अपने काम में। जी सर, तो जी ये तो बना रहे हैं जी पुलाव और मैं अपने और आदू के लिए बनाऊंगी बेसन का चीला। का 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 और बेसन पता नहीं बचे कि नहीं, पहले मैं चेक कर लेती हूँ। और ये हो गया है जी, और इनको अपनी न्यू ट्रिक पड़ी है, इधर मेरा बेसन गिर गया, शुक्र है बच गया। क्या बर्बाद है, डब्बा तो हाथ से चूरा ना उसे गिरा। पहले जी अब खलारा साफ कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करते हैं। तो जी मेरे चीले हो चुके हैं रेडी, और मैंने मम्मी से दही मंगाई थी दुकान से, मम्मी नीचे गए थे, दही आ गई है और पुलाव में हमारी सीटियाँ आ रही है। तो जी मैं आराम, तो अब खाना खा लेंगे क्योंकि हमारा खाना बन गया, नहीं तो फिर ठंडे हो जाएंगे। बाकी अब जब पुलाव पकेगा तब। वाओ ना मात्र, हम कहाँ के, हमारे को नहीं है, आपको भी प्रेशर है, प्रेशर है। तो जी अब हम लोग चल पड़े हैं घूमने, और बाहर फिर से धूप लग गई है, ये देखो मौसम इतने ड्रामे कर रहा है ना आजकल, और इतनी तेज धूप लगी है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज। और ये मैंने धाटू पहना, ये मेरी शादी का धाटू है, ये मैंने शादी के दिन लगाया था अपना रिश्ते के साथ, जो मैंने शादी के टाइम पहना था, तो ये मेरी शादी का धाटू है। जब भी मैं इसको पहनूँ मेरे को बड़ी अलग सी फीलिंग आती है। और साथ में पैकेट भी सुबह का, क्योंकि सुबह हम दर्जी के पास गए नहीं, अब भी जाएंगे, अब टाइम भी हो गया है 5 बजे, अब पता नहीं वो होंगे कि नहीं होंगे, अब कह नहीं सकते, तो देख लेते हैं जाके, होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, चले पर चल पर से तो जाते आज जाके आते हैं, होंगे चाहे नहीं फिर। और इन कपड़ों को सिलने को देके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गया, 3-4 दिन तो उनको ले आके भी हो गए, और अभी तक मैंने ये दिए नहीं। और ये जादू पेट टाइपर का पैकेट, चलना तो पैदल जाना, बंगल पापा बंगल कहाँ जाना है, बंगल बाय। तो जी अब हम लोग चल पड़े हैं, और गर्मी इतनी ज्यादा है, गाड़ी इतनी ज्यादा गर्म हो गई है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटू इधर देख के बोल, हाय मेरे पिता, बहुत ही ज्यादा खुश होती है गाड़ी में बैठे और घूमने जाने के लिए, और गाड़ी में बैठे जी पसीना आ गया है। अब देखते हैं दर्जी जी खुले होंगे कि नहीं, नहीं तो मेरे सूट लटके ही रह जाएंगे फिर। आ गए हैं दर्जी के यहाँ से वापस, अब हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं, आगे तक मिल गए थे हमारे को, बस बंद ही करने वाले थे अपनी दुकान, बिल्कुल टाइम पे पहुँचे हम, तो मंगलवार तक दे देंगे मेरे कपड़े ठीक करके। अब हम लोग थोड़ा ही आगे तक घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी है, घर में भी क्या करना, अभी से
आ गए वापस घर, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा तेज है कि बाहर अभी दो खाना है। जल्दी वहां से हटो। घूमी घूमी यस इतनी ज्यादा तेज धूप है कि अभी बाहर रहा नहीं जा रहा है। हम लोग वापस आ गए घर, अब जाएंगे घर पास। तुम दोनों को ना मैंने, और जी अब हो चुकी है शाम, रात हो चुकी है बाहर, मतलब होने वाली है, थोड़ा टाइम रहा है, टाइम हो चुका है 7:15। मैं आ गई हूँ किचन में, तो दाल मैंने सुबह राजमा की बनाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, वो बची है हमारे लिए। सब मैंने चावल डाले हैं, चपातियाँ बनाई हैं, चावल मैं लगा लेती हूँ क्योंकि आधू को जल्दी भूख लग जाती है, और थोड़े से बर्तन हैं इनको भी धो लेती हूँ फिर बनाऊँगी चपातियाँ। पहले मैं चावल लगा लेती हूँ। आदू का ड्रामा तो जी अब चला रहेगा। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं अब हम लोग यहीं पे एंड। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।